हेलो फ्रेंड्स, आज कैलेंडर का टॉपिक हम फिर से स्टार्ट करते हैं। जो पिछले बार कंसेप्ट दिया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि 29 फरवरी 1896 को किसी का बर्थडे है, ठीक है? तो उसका नेक्स्ट बर्थडे कब आएगा, इसका नेक्स्ट बर्थडे कब आना चाहिए? तो अमूमन जो आंसर मिलता है क्लास में, बच्चे बोलते हैं कि 4 साल बाद, ठीक है? देखो, मैंने एक चीज़ बताया था, अगर 4 साल में इसका 1900 आ जाएगा और 1900 क्या है, लीप ईयर नहीं है, ठीक है? ये जब लीप ईयर नहीं है तो इस दिन बर्थडे कैसे आ जाएगा? उसके अगले साल आएगा, यानी 8 साल के बाद आएगा। 8वां साल यानी 2004 में, 1904 में इसका बर्थडे आएगा, ठीक है? तो समझ रहे हो कि किसी का बर्थडे अगर 29 फरवरी 1896 को हुआ है तो उसका डेट ऑफ बर्थ फिर से जो बर्थडे होगा वो 1904 ईस्वी को आएगा, ठीक है? ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने बताया था कि जिसके लास्ट में 00 हो उसको हम 400 से डिवाइड करेंगे, और 1900 कभी भी 400 से डिवाइड नहीं होता। इसलिए इसका बर्थडे आ जाएगा आपको 8 साल बाद, दैट इज 1904 को, और ये एक लीप ईयर है। इसको हम 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट को चेक करते हैं, 4 से डिवाइड हुए इसलिए ये लीप ईयर है। इसलिए उसका बर्थडे 29 फरवरी 1904 को फिर से आएगा, यानी 8 साल बाद आएगा बर्थडे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 जनवरी 2018 को मंडे है, 1 जनवरी 2018 को मंडे है, तो आपको 15 अगस्त 2018 को कौन सा दिन होगा? देखो, इस क्वेश्चन में ऐसे करने हैं कि देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एक चीज़ आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आज अगर मंडे है, ठीक है, आज अगर मंडे है या ट्यूजडे कुछ भी है, तो आज से 7 दिन बाद वही दिन आएगा। तो कंसेप्ट क्या है कि आपको ना ये 7 दिन को कैलकुलेट करना है। 7 दिन को कैलकुलेट मतलब, जैसे सपोज करो कि मैं पूछूं कि आज से 10 दिन बाद क्या आएगा, आज अगर मंडे है तो आज से 10 दिन के बाद क्या आएगा, तो मैं इसको क्या करूंगा, आज से 7 दिन बाद वही दिन आएगा और उसके बाद 3 दिन और बढ़ा, तो मंडे, ट्यूजडे, वेडनसडे और थर्सडे होगा। तो ये कंसेप्ट है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि ये जनवरी, 1 जनवरी 2018 से 15 अगस्त 2018 के बीच का हम क्या करेंगे, दिन निकाल लेंगे कि कितने दिन है टोटल, और उसको मैं अगर 7 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो हमको जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर जैसे 10 में मैंने क्या क्या 7 से डिवाइड किया तो हमको क्या बचा, 3 रिमाइंडर बचा, तो हमने मंडे में 3 दिन जोड़ दिया, ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है? तो इसी तरीके से इसके बीच में जितना दिन आएगा उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम दिन जोड़ लेंगे कि कितना होता है। मैं देखता हूँ, कुछ लिखता हूँ बातें, आप देखो। अगर देखो, 1 जनवरी, ये जनवरी की बात कर रहा हूँ, इस जनवरी में अब कितना दिन बचा है, 1 जनवरी 2018 को मंडे है तो दिन अब कितना बच गया, 30 दिन और बचा। फरवरी की बात करूँ तो फरवरी में आप देखो, ये 2018 है ना, कि ये लीप ईयर नहीं है, तो इसमें आपको 28 दिन होगा बचा, ठीक है। मार्च अगर मैं लूँ तो मार्च में कितना दिन बचेगा, 31 का दिन है, और अप्रैल हो तो अप्रैल कितना का है, 30 दिन का है। मई फिर से कितना हो जाएगा, 31 होगा, और जून 30 का होगा, ठीक है, और जुलाई फिर 31 का, अगस्त भी 31 का होता है, लेकिन अगस्त में हम 15 दिन का ही लेते हैं, ठीक है। तो अगस्त में हमको 15वां दिन पूछा जा रहा है कि 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा, तो हम इसको भी 15 दिन लेंगे, ठीक है। अब देखो, बजाय मैं क्या करूँ, अगर मैं इसको ऐड करूँ बहुत टाइम लग जाएगा, इसको मैं ऐड करूँ फिर 7 से डिवाइड करूँ तो बहुत टाइम लगेगा। इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या करते हैं कि हम हर एक नंबर को, हर एक जो ये मंथ है सबको मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, और ऑड डे जो एक्स्ट्रा दिन बच रहा है, जो रिमाइंडर बच रहा है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और उससे क्या होगा कि हम देखेंगे कि वो 7 से कितना बढ़ रहा है, अगर वो 7 से जितना बढ़ेगा, अगर 7 आया तो हम कट कर देंगे, वही दिन आ जाएगा, ठीक है, और 7 से अगर बढ़ा तो हम क्या करेंगे, उसको उतना रिमाइंडर में जो बचा 7 से ज़्यादा उसको जोड़ देंगे हम मंडे में, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, जनवरी में कितना दिन बढ़ा, जनवरी में 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 ऑड डे होगा, इसमें 0 होगा, इसमें देखिए 3 होगा, और इसमें 2 होगा, इसमें फिर 3 हो जाएगा, और इसमें 2 हो जाएगा, ठीक है, इसमें 3 होगा, और इसमें कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो ये थोड़ा आसान हो गया, अब इसको मैं सॉल्व करूँगा ना तो ये ज़्यादा ईजिली बन जाएगा,
ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो दो तीन दो तीन दो तीन एक है, अब इसको देखो मैं ऐड करता हूं तो 2 + 3 = 5 + 2 = 7। अब देखो ये सातवां दिन, 7 दिन बाद तो वही दिन आ जाएगा ना, तो इसको कंसिडर करना ही नहीं है, ये कट गया। ठीक है, उसके बाद देखो 3 3 6, अगर मैं इस दो को रहन दूं, 3 3 6 और 1 7, फिर से देखिए ये वाला कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो कितना आपका ऑड डे बचा? आपका ऑड डे बचा 2। ठीक है, और ये 2 में अगर मैं इसको मंडे को 2 दिन जोड़ दूं, मंडे में 2 दिन ऐड कर दूं, तो क्या आ जाएगा? मंडे के बाद क्या आएगा? ट्यूसडे, और उसके बाद फिर क्या आएगा? वेडनेसडे। ठीक है, तो आप याद रखना कि इस बार जो 15 अगस्त होगा 2018 में, वो आपका वेडनेसडे को होगा। अगर 1 जनवरी, 1 जनवरी हमारा 2018 को मंडे था, तो हमारा 15 अगस्त 2018 को जो होगा वेडनेसडे होगा, आप चेक कर सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि 11 फरवरी 2013 को थर्सडे था, तो 23 सितंबर 2013 को क्या होगा? देखो वही बात है, आपको निकालना है इसमें से डेट। देखिए तो 11 फरवरी है, अब देखो इसका तो मैं लिख दे रहा हूँ, नेक्स्ट वाले से डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, 11 फरवरी 2013 है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि अगर मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो देखो 11 फरवरी 2013 है, तो इसमें कितना दिन बचा? 2013 लीप ईयर नहीं है, तो 17 दिन बचा। ठीक है, और उसके बाद फरवरी के बाद मार्च आया, मार्च कितना का होगा? 31 होगा, तो 31 का होगा। फिर अप्रैल 30 का होगा। ठीक है, मई कितना का हो जाएगा? मई 31 का होगा। जून फिर 30 का होगा, और जुलाई 31 का होगा। याद रखना अगस्त भी 31 का होता है। ठीक है, अगस्त के बाद सितंबर, और सितंबर 23 का पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो अब इसका ऑड डे निकालेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, ऑड डे निकालते हैं, तो इसमें कितना बचा? 3, 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर निकाल लेंगे। इसमें देखिए, इसमें भी आपको 3 बचा, इसमें 2 बचा। ठीक है, इसमें 3 बचा, इसमें 2, इसमें 3, इसमें भी 3, और इसमें 2। ठीक है, अब देखो इसको टोटल करते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर 7 वाला हो तो काट दो ना, क्या इशू है? तो अब देखो यहां से मैं काटना स्टार्ट करता हूँ, 3 ये गया, 3 2 5 और 2 7, ये खत्म हो गया। ठीक है, और देखते हैं कहीं 2 है क्या, 1 2 यहाँ पे है, चलो अब 1 और 2 नहीं है। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं, 3 3 6 6 3 9 3 12 और 2 14, कितना आया हमारा? 14 आया। ठीक है, और इसको किससे डिवाइड करना है? 7 से। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0, मतलब कोई भी दिन नहीं बढ़ रहा है, ये बात याद रखेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आया तो कोई भी दिन नहीं बढ़ा, इसका मतलब कि थर्सडे में 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो अगर थर्सडे में 0 ऐड करेंगे तो वो दिन थर्सडे ही होगा, क्योंकि एक भी दिन नहीं बढ़ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? थर्सडे इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 15 जनवरी 2012 को संडे था, तो 17 जुलाई 2012 को क्या होगा? ठीक है, अब देखो इसमें कितना बचा? 26। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो आपको सीधा इससे सॉल्व करना पड़ेगा कि आपको कैसे कैसे डे निकालना है। ठीक है, अगर मैं देखो यहाँ पे 15 5 जनवरी, तो अब देखिए यहाँ से सीधा मैं ऑड डे निकालता हूँ। ठीक है, ऑड डे देखिए इसमें 26 दिन बचा, तो इसको मैं क्या करूंगा? 7 से डिवाइड करूंगा, कितना ऑड डे होगा? 5 हो जाएगा इसमें। ठीक है, फरवरी, फरवरी 2012 है, ध्यान रखना 2012 है, तो 29 का दिन होगा, इसमें लीप ईयर है ना ये, तो इसमें आपका एक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका ऑड डे। 28 29 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो एक दिन होगा कि नहीं होगा? ठीक है, फिर मार्च क्या हो जाएगा आपका? मार्च में 31 का होगा, तो 3 हो जाएगा। फिर अप्रैल आते हैं, 2 हो गया। मई आते हैं, 3 हो गया। जून कितना हो जाएगा? जून बोलो 2 हो जाएगा, क्योंकि 30 का होता है। फिर जुलाई, जुलाई क्या हो जाएगा? 31 का, 3 हो गया। और फिर देखो आपका, देखो यहाँ पे जुलाई क्या कह रहा है? 17 को कह रहा है, यानी 7 2 9 14 3 17, ठीक ही है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको कट करना है, ये ऑड डे निकल गया आपको, आप इसको कट कर दो, 5 ये गया और ये 2 7 खत्म हो गया। उसके बाद देखिए 3 3 6 1 7, ये भी खत्म हो गया। क्या बच रहा है? एक्स्ट्रा 5 दिन बच रहा है। अगर 5 एक्स्ट्रा दिन बचा, इसको मैं अगर संडे में जोड़ दूं, मैं बोलूं कि संडे और +5, संडे +5 क्या हो जाएगा? संडे में अगर आप 5 दिन जोड़ते हो, तो देखो संडे में 7 दिन जोड़ते हैं तो संडे आया, 2 दिन पीछे आ जाते हैं, तो सैटरडे और 1 दिन और गया, तो क्या हो जाएगा आंसर? फ्राइडे इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन
कुछ क्वेश्चंस और होते हैं जो अभी करते हैं, हम थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि जिसमें आपको क्या होता है कि मतलब उसमें क्या होता है ना कि कैलेंडर सेम हो जाता है। जैसे सपोज करो कि एक बार आप कोई ईयर में कैलेंडर लेके आए और उसको किसी और साल के लिए यूज करना है, यूज तो नहीं मतलब बोल सकते हैं कि वो कैलेंडर किस ईयर में फिर जाके इक्वल हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि कह रहा है कि द कैलेंडर फॉर द ईयर 2005 इज सेम एज, मतलब कह रहा है कि 2005 का जो कैलेंडर है वो किस कैलेंडर के बराबर होगा, मतलब कि 2010 के होगा कि 2011 के होगा कि 12 का होगा कि 13 का होगा। ठीक है, देखो अच्छी बात क्या है कि आप सबसे पहले कंसेप्ट सीखो। कंसेप्ट क्या है, फिर मैं ट्रिक पे आऊंगा। कंसेप्ट क्या है कि देखो जनरल ईयर का जो कैलेंडर होगा ऑब्वियस सी बात है कि जनरल ईयर के कैलेंडर के बराबर होगा। जनरल ईयर का कैलेंडर जनरल ईयर से ही बराबर होगा ना, कि 2015 का 2016 से थोड़ी होगा। लीप ईयर वाला में तो 366 होता है और जनरल ईयर में आपको 365 होता है, तो वो दोनों तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकते ना। तो जनरल ईयर का हमेशा जनरल ईयर के बराबर होगा कैलेंडर, और लीप ईयर का हमेशा लीप ईयर के बराबर होगा। पहले मैं कंसेप्ट पे बात करता हूँ। अगर आप सोचो कि 2005 का कैलेंडर किसके बराबर होगा, अगर मैं बताऊं कि सपोज करो कि 2005 जो है ना, इसको आप मान लो कि 2005 में जनवरी जो था, 1 जनवरी, देखो अगर क्या है कि सपोज करो कि जैसे 2005 में 1 जनवरी था मंडे को, माना हुआ है कि 1 जनवरी मंडे को था, और ऐसा ईयर खोज के लाएंगे जिसका 1 जनवरी फिर से मंडे हो जाएगा, ठीक है, तो उसका कैलेंडर सेम होगा कि नहीं होगा? दोनों सेम होगा क्योंकि ये भी मंडे से स्टार्ट हो रहा है और वो भी स्टार्ट होगा मंडे से, तो सारा दिन इक्वल होगा कि नहीं होगा, बशर्ते कि आपका वो लीप ईयर नहीं होना चाहिए। जनरल ईयर की बात करें तो हम जनरल ईयर पे ही जाएंगे, ठीक है। तो देखिए 2005 में अगर मैं मान लूं कि जनवरी जो है ये 1 जनवरी, 1 जनवरी से लेते हैं, क्या हो जाएगा, 1 जनवरी से लेते हैं कि मान लेते हैं कि 1 जनवरी अगर मंडे है, तो आप देखिए 2006 में क्या हो जाएगा, 2006 का 1 जनवरी कौन सा होगा, एक दिन बढ़ जाएगा ना, ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है। और 2000 फिर 2007 का बात करें, 1 जनवरी का बात करता हूँ, तो देखिए वही दिन होगा 2006 का भी 31 दिसंबर, ठीक है, तो 2007 का क्या हो जाएगा, वेनसडे हो जाएगा, ठीक है। और फिर 2008 का, देखिए 2008 का मैं जनवरी का बात कर रहा हूँ, 1 जनवरी का, इसलिए लीप ईयर कभी इंक्लूड नहीं होगा 2008 में, 29 फरवरी बाद में आएगी ना, ये भले लीप ईयर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए अगर मैं 2009 कंसीडर करूं तो 2009 क्या हो जाएगा, 2009 जो है 29 फरवरी भी लेगा, तो थर्सडे के बाद फ्राइडे, फिर क्या हो जाएगा, सैटरडे होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। और 2010 का मैं 1 जनवरी का बात करूं तो क्या हो जाएगा, सैटरडे, सैटरडे तो होगा 31 में, और उसके बाद 2010 में संडे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2011 आया, 2011 आया, और 2011 क्या है, 2011 में 1 जनवरी मंडे आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही मंडे आया हम सीधा देख लेंगे कि 2005 का कैलेंडर 1 जनवरी मंडे था, तो 2005 का कैलेंडर 2011 के कैलेंडर के बिल्कुल इक्वल होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2011। अब देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, इतना करने के बजाय अगर मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो हम ट्रिक पे काम करते हैं ना, ये तो कंसेप्ट है, ठीक है। ट्रिक देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ट्रिक कह रहा है कि इफ बिफोर द गिवन ईयर इज ए लीप ईयर देन एड 6। जैसे अगर 2005 का था, 2005 से एक साल पहले अगर एक लीप ईयर आता है तो उसमें हम 6 साल जोड़ देंगे उस 2005 में, तो ऑब्वियस सी बात है 2005 का कैलेंडर अगर हमको ट्रिक से निकालना है, इससे पहले एक साल जो पहला साल आता है, एक साल पहले 2004 आता है, ऑब्वियस सी बात है कि वो लीप ईयर है 2004, तो उसमें हम 6 जोड़ देते हैं, तो 6 जोड़ देंगे तो 2011, देखो ट्रिक से तुरंत सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा क्या कह रहा है कि इफ बिफोर द गिवन ईयर इज ए जनरल ईयर, मतलब कोई भी ईयर है उसके पहले अगर जनरल ईयर आ गया है, कोई भी ईयर पूछे आपसे, जैसे सपोज करो 2011 पूछा गया है, इससे पहले एक जनरल, इससे पहले आपको जनरल ईयर आए, लीप ईयर ना आए, तो 2010 हो गया, 2010 हो गया तो लीप ईयर नहीं है ना, तो उस साल में हमको क्या करना है, 11 जोड़ देना है। इफ बिफोर द गिवन ईयर इज ए जनरल ईयर एड 11, हमको उस केस में हमको क्या करना है, 11 जोड़ देना है। तो 2011 में हम 2011 में अगर 11 जोड़े तो 2011 का, पता है 2011 का कैलेंडर 2022 के कैलेंडर के इक्वल होगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हम अगर सपोज करो 2018 में हैं और 2018 का कैलेंडर
देखो एक साल पहले जाते हैं तो 2017 है एंड 2017 वी नो दैट इट्स नॉट अ लीप ईयर, इट्स अ जनरल ईयर। तो 2018 का अगर हम कैलेंडर निकाले किसके बराबर होगा, तो हमको ऑब्वियस ही बात है कि इसमें हमको 11 जोड़ना पड़ेगा, ना कि 6। 6 उसके लिए जोड़ेंगे जिससे पहले, अगर जिससे पहले हमको लीप ईयर आए, तो 2018 का कैलेंडर जो होगा ना 2029 के कैलेंडर के बराबर होगा, ये बात आप याद रखोगे। अब देखते हैं थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो ये क्या कह रहा है कि 1 जनवरी 2001 को मंडे है, ठीक है, तो 1 जनवरी 2002 को क्या होगा? मैंने बताया था कि एक दिन शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, शिफ्ट इसलिए हो जाता है कि 300, इस दोनों के बीच में 365 दिन का गैप है, ठीक है, और अगर मैं 365 को 7 से डिवाइड करूं तो एक एक्स्ट्रा ऑड डे आता है, ठीक है, इसलिए मंडे से बढ़ के ट्यूजडे हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूजडे हो जाएगा, ठीक है। आपको सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करना है ऑड डे पे, कितना ऑड डे एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, देखो थोड़ा सा ये वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। अब देखो क्या कह रहा है कि 1 जनवरी 2003 को मंडे है, तो 1 जनवरी 2010 को क्या होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप सॉल्व सीधा करोगे, देखो आप ऐसे लिख देना, ठीक है। अब 2010 है ना, और ये देखो ये इधर डेट सेम है, ठीक है, तो इसीलिए हमको क्या क्या टोटल ऑड डे निकालना है, और ध्यान में खास करके ये भी रखना है कि कौन सा लीप ईयर आ रहा है, कौन सा लीप ईयर नहीं आ रहा है, और लीप ईयर आ रहा है तो क्या हम उसमें 29 फरवरी काउंट कर रहे हैं कि नहीं काउंट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको ये चीज ध्यान में रखना होगा। अब देखो इसमें फर्स्ट फर्स्ट है तो इसमें कोई इशू ही नहीं है, 0 ऑड डे हो गए, ठीक है, जनवरी जनवरी रहने देते हैं, ये तो वही उसी समय का बात कर रहा है क्योंकि सेम है, जनवरी जनवरी है, ठीक है। 2010 में इसको इससे माइनस करना है, 2010 से 2003 के बीच का गैप कितना है? 7 साल, मतलब 7 ऑड डे। ये देखो एक साल में एक ऑड डे आ रहा है, 7 साल में 7 ऑड डे आएगा, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया एक ऑड डे, उस 7 हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम टोटल ऑड डे निकालते हैं, प्लस 2003 में के बाद 2004 ऑड डे आएगा, ऑड डे आएगा उसमें लीप ईयर होगा, ठीक है, तो लीप ईयर क्या होगा उसमें? देखो 7 तो कंसीडर कर ही लिए इसमें, ठीक है, क्योंकि देखो 2 साल, 2 होता है लीप ईयर में हमारा, 2 होता है ऑड डे, लेकिन हमने टोटल 7 तो ले ही लिया, तो अब बचा हुआ लीप ईयर का ही कंसेंट्रेट करेंगे ना। तो लीप ईयर देखो 2004 में एक लीप ईयर आता है, तो एक आपको 29 फरवरी आता है 2004 में, तो एक ले लेंगे इसमें, और फिर 2008 में एक आता है, ठीक है, तो टोटल कितना दिन हो गया? 9 दिन हो गया, ठीक है, 9 दिन हो गया। 9 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे या फिर इस 7 को हटा देते हैं, तो 2 एक्स्ट्रा ऑड डे आया, ऑड डे आया कि नहीं आया? अगर मंडे है तो मंडे में हम 2 दिन जोड़ देंगे, तो मंडे ट्यूसडे, और आंसर हो जाएगा वेडनेसडे, वेडनेसडे इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें हमने क्या किया? वेडनेसडे किया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपका क्या बोला कि 1 मार्च 2004 को मंडे है, ठीक है, तो आपसे बोला कि 10 मार्च 2008 में क्या, कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है कि इसमें अगर मैं इसको इससे घटाऊं तो कितना दिन आ गया? 9 दिन आ गया, ठीक है, मार्च मार्च तो सेम है, इस पे कंसंट्रेट नहीं करना, इस पे करना है 2008 में 4 जोड़ देंगे तो 4 ऑड डे आ जाएगा, घटा देंगे तो 4 ऑड डे आ गया, ठीक है, 9 4 13। अब देखिए 1 मार्च से 10 मार्च का बात कर रहे हैं, इसमें एक भी ऑड डे, इसमें एक भी 29 मार्च कंसंट्रेट नहीं है, इसमें 29 मार्च आ ही, 29 फरवरी नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि हम मार्च से काउंट कर रहे हैं, 1 मार्च 29 फरवरी को नहीं लिए हैं, ठीक है, और 10 मार्च 2008 का बात कर रहा है, तो इसमें एक जो हमारा 29 फरवरी है, 29th of February इसमें एक है एक्स्ट्रा, तो 9 और 4 हो गया, और एक और एक्स्ट्रा क्या आ गया? एक और आ गया 29 फरवरी। जब 29 फरवरी आ गया आपका एक और एक्स्ट्रा, तो हम कितना टोटल ऑड डे हो गया? टोटल ऑड डे हो गया 14। इसमें 14 को मैं क्या करूंगा? 7 से डिवाइड कर दूंगा, तो अब देखिए टोटल ऑड डे कितना हो गया? 0 ऑड डे। जब 0 ऑड डे आ गया आपका, तो वो वही दिन रहेगा कि नहीं रहेगा? मंडे है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मंडे ही होना चाहिए। देखो इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है कि इसमें देखो डेट भी अलग दे रखा है, ठीक है, 22nd बोल रहा है और 17th जुलाई बोल रहा है, ये तो सेम है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें ये भी अलग होगा, ठीक है, और ये तो वही है, ठीक है।
अब देखो इसमें क्या कर रहा है कि ट्यूसडे दे रखा है, इसमें देखो आप इसका डेट दे रखा है, ठीक है, तो आगे वाला दे रहा है आपको, पीछे वाला दे पूछेगा, तो आप सीधा क्या करोगे, माइनस कर दोगे कि नहीं कर दोगे, कर देंगे, ठीक है। अब इस वाले में देखते हैं, इस वाले में क्या है कि आप देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22nd, मैंने क्या बोला इसको उससे माइनस करना है, तो यहां देखिए 17 में से 22 गया, तो कितना लिख देंगे, -5, -5 लिख दो, ठीक है। उसके बाद देखिए जुलाई तो ठीक है, जुलाई सेम है, उसके बाद 2016 में से 2006 गया, तो कितना हो जाएगा, +10, ठीक है। अब सबसे मेन बात है, अब देखो सब तो ईयर ले ही लिए, जो नॉर्मल एक मतलब इसमें क्या है कि एक एक साल का मतलब क्या होता है कि एक एक साल में एक ऑड डे होता है और लीप ईयर में दो ऑड डे होता है, तो हम इस पे कंसंट्रेट करेंगे कि 10 साल तो ले ही लिए इसका, दो मतलब अगर वो जनरल का भी हो लीप का भी हो फिर भी हम तो ले ही लिए एक एक साल सबका। अब एक बचा कि जनरल लीप ईयर में 29 फरवरी का बचा है, तो हम इसमें खोजेंगे कौन कौन सा 29 फरवरी आ रहा है आपका, ठीक है। तो इसमें देखो 22 जुलाई से स्टार्ट हो, 2006 तो है नहीं, बीच में आपको क्या आ जाएगा, 2008 आएगा, 2008 में 29 फरवरी होता है, तो एक लीप ईयर यहाँ पे आ गया, ऐड हो गया, ठीक है। और उसके बाद 2008 के बाद 2012 आ जाएगा, तो एक लीप ईयर हो जाएगा इसमें भी। और देखिए 2016 जो लिया है ना, 17 जुलाई का लिया, यानी इसमें फेब्रुअरी इंक्लूडेड है, इसमें अगर फेब्रुअरी इंक्लूडेड है तो इसमें भी एक और आ गया, ठीक है। अब इसको जोड़ के 7 से डिवाइड कर देंगे, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उसमें इसको माइनस कर देंगे, मतलब पीछे चले जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये कितना हो गया, 10 + 3 13 हो गया, 13 में से 5 गया तो कितना आ गया, 8 आ गया कि नहीं आ गया, 8 आ गया, ठीक है। अब देखो इस 8 को मैं क्या करूंगा, 7 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो इस 8 को 7 से डिवाइड करूंगा तो एक हमारा क्या आ जाएगा, ऑड डे आ जाएगा, एक ऑड डे आ जाएगा, तो ट्यूसडे है, ट्यूसडे में एक माइनस कर लेंगे, यानी एक पीछे चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे में एक पीछे गए तो हमारा आंसर होना चाहिए मंडे इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे हम आते हैं, इसमें देखो कि इसमें देखो 15 अगस्त 2004 को, 15 अगस्त 2004 को क्या कह रहा है, संडे है, तो आपसे पूछ रहा है 5 अगस्त 2020, ठीक है। तो अब देखो इसमें इसमें भी हम क्या बोले कि इधर से माइनस करेंगे, ठीक है, तो इधर से माइनस करेंगे तो यहाँ पे देख लो, लिख देता हूँ -10, इसके बीच का डिफरेंस -10 हो गया, ठीक है। अगस्त अगस्त सेम ही है, ठीक है, 2004 और 2020 के बीच में कितना साल का गैप है, आप बोल देंगे 16 साल का गैप है, ठीक है। 16 साल का जब आपका गैप आ गया तो अब हम कंसनट्रेट करेंगे 29 फरवरी पे, 29 फरवरी किस किस में आ रहा है किस किस में नहीं आ रहा है, हम उस चीज पे ध्यान देंगे। अब देखिए इसमें 2004 भी आपका लीप ईयर, लेकिन इसका हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अगस्त से ले रहा हूँ, फेबररी तो आ ही नहीं रहा है ना, तो हम 2008 वाला करेंगे एक, ठीक है, 2012 वाला एक हो जाएगा, ठीक है, 2016 वाला भी एक हो जाएगा, और 2020 हम 5 अगस्त तक आए हैं, यानी हम फेबररी बीच में इंक्लूड किए हैं, ठीक है, तो इसका भी एक हो गया। अब देखिए इधर टोटल कितना हो गया, 16 + 4 = 20, 20 में से 10 गया, 20 में से 10 गया तो कितना आ गया, 10 आ गया ऑड डे, और इसको क्या करूंगा मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा, 7 से डिवाइड करूंगा तो 3 जो होगा हमारा, 3 क्या हो जाएगा हमारा, 3 हमारा ऑड डे हो जाएगा। तो देखिए ये ऊपर वाला दे रखा है ना, ऊपर वाला दे रखा है, तो हम 3 जोड़ देंगे, संडे में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, तीसरे दिन क्या हो जाएगा आपका वेडनेसडे, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए आपको, वेडनेसडे होना चाहिए, वेडनेसडे इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन ये कह रहा है 12 जून 2000 को है ट्यूसडे, ठीक है, और 2 जून 2006 को पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। अब देखिए पहली बात, फिर से हम माइनस करेंगे, ये -10 होगा कि नहीं होगा, ठीक है, -10 हुआ, उसके बाद देखो जून जून तो सेम ही है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें अलग अलग मंथ भी होगा उसके लिए अलग क्राइटेरिया है, अलग ट्रिक है, वो उस पर बात करेंगे बाद में। अब देखिए 2000 से 2006 के बीच में कितना साल आ गया, 6 साल आ गया, ठीक है। अब देखिए इसके बीच में कितना लीप ईयर आएगा, 2000 को 2000 भी हमारा लीप ईयर है, 00 है, 4 से डिवाइड कर, 400 से करेंगे तो 00 कट गया, 4 × 25, लेकिन ये लीप ईयर इसमें क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें 29 फरवरी जो है ना हम कंसिडर नहीं किए हैं, ठीक है, क्योंकि हम जून से ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका एक लीप ईयर नहीं हुआ इसमें, बस देखो 2000 के बाद 2004 आया और 2004 में एक लीप ईयर, एक 29 फरवरी है, तो हम इसमें एक और 29 फरवरी कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इसमें 6 में 1 7 में, इसमें क्या आ रहा है, -3,
माइनस तीन जो है, अब देखो इसको क्या करो, माइनस तीन के अलावा अच्छा रहेगा आप क्या करो, सात में से माइनस तीन घटा लो, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस चार। इस ट्यूजडे में प्लस चार हम ऐड कर देंगे, तो ट्यूजडे के बाद कौन सा चार, प्लस चार अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या आ जाना चाहिए, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो ठीक है, इसमें अगर प्लस चार दिन हो गया, यानी ट्यूजडे में मैं अगर चार दिन जोड़ दूँ तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ये वाला, सैटरडे इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, इसमें देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख सारे कंसेप्ट यूज हो जाएंगे जो शुरू से अभी तक पढ़ाया हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, 12 जनवरी 2004 को सैटरडे है तो 15 अप्रैल 2006 को क्या होगा। एक बात याद रखो, देखो यहाँ पे इसमें क्या है कि दिन भी अलग है, ठीक है, अब देखो दिन भी अलग है और उसके बाद फिर ये भी अलग है, डेट भी अलग है, उसके बाद फिर आपका मंथ भी अलग है और ईयर भी अलग है। ठीक है, देखो मैं इसके लिए आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ, आप क्या करो, हम इसको ना 12 जनवरी 2004 को सैटरडे है, मैं क्या करता हूँ कि एक जो इससे पहले कंसेप्ट बताया हूँ उस कंसेप्ट का यूज करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको 15 अप्रैल 2006 को भी मैं 12 जनवरी 2006 ले लेता हूँ और उसके बाद जो बचा ऑड डे, जो हम उससे पहले बताएं आपको, ठीक है, उससे पहले जो बताए हैं कि ऑड डे कैसे निकालते हैं, बीच का दिन, उससे ऑड डे निकालेंगे और टोटल ऑड डे इससे निकाल के उसका निकाल के ऐड करके जो एक्स्ट्रा बनेगा उसमें इसको जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप ऐसे लिख सकते हो, 12 जनवरी 2004 है, ठीक है, इसको ये हो गया सैटरडे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, 15 अप्रैल 2006 जो है इसको ऐसे लिख रहा हूँ, 12th, इसको भी मैं जनवरी ले ले रहा हूँ, ठीक है, और 2006, ठीक है, ये पूछ रहा है, इसमें पहले हम ऑड डे निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो 12 जनवरी के बाद से 15 अप्रैल के बीच में जो ऑड डे होगा वो निकाल लेंगे, ठीक है, और उसको फिर डिवाइड करके जो इसका ऑड डे होगा और उसका ऑड डे को जोड़ के सैटरडे में, 7 से डिवाइड करके सैटरडे में जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए इसका 0 हो गया, इसमें तो दिन है ही नहीं, जनवरी जनवरी सेम है, 2004 से 2006 के बीच में कितना ऑड डे, 2 ऑड डे। उसके बाद देखिए 2004 खुद एक लीप ईयर है, ठीक है, और ये जनवरी को लिया गया है, जब आपका जनवरी कंसिडर्ड है इसमें, जब आपका जनवरी हम ले चुके हैं, ठीक है, जनवरी जब हम ले चुके हैं तो फरवरी 29 तो होगा ही, तो एक और ऑड डे हो गया कि नहीं हो गया, तो आपका टोटल ऑड डे 3 हो गया, इसमें से देखिए आपका 3 ऑड डे आ गया। ठीक है, और दूसरे वाले में बात करते हैं, देखो अब देखो ये टोटल जनवरी में कितना दिन बचा, 12 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में 19 दिन, ये जनवरी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इस जनवरी में 19 दिन ऑड डे बचा, ठीक है, तो जनवरी कितना हो गया, 19 दिन हो गया, ठीक है, और फरवरी जो है, फरवरी देखो आपका 2006 का बात कर रहा है और ये लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी कितना हो गया, 28 का दिन हो गया, ठीक है, और उसके बाद फिर मार्च, मार्च 31 का होता है कि नहीं होता है, होता है, और फिर अप्रैल आपको कौन सा दिन पूछा जा रहा है, 15 तारीख का बात कर ही रहा है अप्रैल में, तो मैंने एक बात बताया था कि आपको इस सब को जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से ऑड डे निकालो, तो यहाँ से 5 ऑड डे निकलेगा, यहाँ से 0 निकलेगा और यहाँ से 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर लिखते हैं ना, तो ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका टोटल ऑड डे कितना आ गया, 5 और प्लस 3 8 प्लस 1 9 और प्लस 3 कितना हो गया, 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12 ऑड डे, और इस 12 को क्या करेंगे हम, पहले 7 से डिवाइड करेंगे, 12 अपॉन 7, रिमाइंडर कितना हो गया, 5 रिमाइंडर हो गया, तो 5 रिमाइंडर हो गया, अब किसमें, इस सैटरडे की बात कर रहा हूं ना, तो सैटरडे में आपको कितना आ गया, 5 ऑड डे आ गया। ठीक है, तो अब देखो इसमें सैटरडे में 5 दिन जोड़ू तो ठीक है, तो क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा, या फिर मैं क्या करता हूँ सैटरडे में मैं 7 दिन जोड़ देता हूँ तो सैटरडे आ जाएगा और 2 दिन पीछे आ जाता हूँ, ठीक है, तो फ्राइडे और थर्सडे, तो थर्सडे इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको पता लग गया कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम, कि अगर इसमें क्या करते हैं कि पहले कि हम इसी समय को इसको हम इक्वल कर लेते हैं, देखो 12 अगस्त है
15 अप्रैल है, इसी को उठा के मैंने 12 जनवरी 2006 किया। इसका टोटल मैंने ऑड डे निकाला, हमारा निकल गया 3 ऑड डे। और उसके बाद फिर क्या किया, इसके बीच में जो डे है, इसके बीच में जो आपका डे है, ये 12 जनवरी से 2006 से 15 अप्रैल 2006 के बीच में जितना भी दिन है, इसका मैंने क्या किया, ऑड डे निकाल लिया। टोटल आ गया आपको, इसमें टोटल आ गया 9, और इस 9 को इस 3 से जोड़ दिए, टोटल आ गया 12 ऑड डे। और इस 12 को हमने क्या किया, 7 से डिवाइड करके 5 टोटल ऑड डे निकल गया। और इसको क्या किया फिर मैंने कि सैटरडे में जोड़ दिया, ठीक है, इस सैटरडे में जोड़ दिया तो हमारा थर्सडे आ गया। या फिर क्या किया, सैटरडे है, इसका एक हफ्ता हो गया सैटरडे, और 2 दिन पीछे चले जाएंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। अब देखो एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि 22 फरवरी 2007 को सैटरडे है तो 24 अप्रैल 2008 को क्या होगा, ठीक है। मैंने एक चीज़ बताया कि आप क्या करोगे, इसको ड्रैग करो और इसमें ही लिख लो, ठीक है। देखो पहले तो 22 फरवरी 2007 लिख लिए, और इस वाले को आप इस तरीके से लिख लोगे, ठीक है, 22 फरवरी 2008, ठीक है। अब देखिए इसमें पहले ऑड डे पूरा निकाल लेंगे, तो इसमें ऑड डे ये तो जीरो हो गया, और इसके बाद इसमें देखो फरवरी सेम है, 2007 से 2008 के बीच में एक ऑड डे होगा। और जब बात लीप ईयर के करते हैं तो लीप ईयर इसमें देखो 22 फरवरी 2007 से 22 फरवरी 2008 के बीच में 2008 लीप ईयर है, लेकिन इसमें हम लीप ईयर क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमको एक भी 29 जो फरवरी होता है ये नहीं आया है इसमें, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या है कि एक्स्ट्रा जो 29 फरवरी नहीं आता, तो एक भी लीप ईयर, एक भी आपका एडिशन जो होगा 29 फरवरी वाला दिन नहीं होगा, इसमें एक ही हमारा ऑड डे आया। अब क्या करेंगे कि इसके बीच में आप देखेंगे 22 फरवरी 2008 में जो 22 फरवरी से लेके 24 अप्रैल के बीच में कितना ऑड डे बचा है, तो हम देखेंगे, देखिए कि 22 फरवरी में कितना टोटल दिन और बचा है, 7 दिन बचा है। क्यों, क्योंकि ये 2008 है और अब लीप ईयर है, तो 22 से 29 के बीच में अगर मैं फरवरी का बात करूं तो 7 दिन बचा, ठीक है। और मार्च का बात करूं तो मार्च कितना बच जाएगा, 31 का दिन होता है। और फिर अप्रैल का बात करूं तो अप्रैल इधर 24 तारीख को ही बता रहा है, 24 अप्रैल का ही बात कर रहा है, ठीक है, इतना ही होगा। आपको क्या करना है, इसमें देखो 7 से डिवाइड करना है, ये तो जीरो हो जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, और इसमें देखो इसमें भी 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखो अब टोटल आपका इसका आ गया 6 और इसका 1 आ गया, यानी टोटल आपका ऑड डे जो है वो क्या आ गया, 7 आ गया। अगर मैं डिवाइड करता हूँ 7 से, या फिर वही दिन आ गया, तो हमारा ऑड डे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर ऑड डे जीरो आया तो सैटरडे है, तो आंसर क्या होना चाहिए, सैटरडे ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आप जो भी क्वेश्चन होगा वो आपसे बनेंगे, ठीक है। अब एक लास्ट टाइप के क्वेश्चन पे बात करेंगे कैलेंडर के, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इससे आप मतलब कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो, जैसे कोई किसी का डेट ऑफ बर्थ कुछ है, ठीक है, और उस आपको पता करना होगा कि वो कौन सा दिन था, जो आपका डेट ऑफ बर्थ था कौन सा दिन था, तो उस चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हो इस मेथड से, ठीक है। आपको इसको बनाने से पहले आपको कुछ चीज़ को याद रखना पड़ेगा। देखो ये कोई फार्मूला नहीं है, बस कंसेप्ट है, आप कंसेप्ट देखोगे खुद ब खुद याद हो जाएगा। जैसे देखिए मैं पहले क्या किया, डे का कोड लिखा, देखिए कुछ नहीं, सैटरडे को 0 से लिखा हूँ, संडे 1 हो गया, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, 3-4 बार 5 बार देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो खुद याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड क्या है कि हम 1200 से लिए, अगर हम 1200 तक मतलब 1205 हो, 1220 हो, 1250 हो, 1210 हो, यहाँ तक का आप निकाल सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप 1200 ईस्वी तक का आप निकाल सकते हो, ठीक है। और इधर मैं 2700 तक का ले दिया हूँ, ठीक है। तो आप देखो 1200 का लिखा हूँ मैं 6, ये कोड है, ये याद रखना, इसकी ज़रूरत होगी। देखो ऐसे जाना है 1200 1300 1400 1500 6420 6420 6420 6420, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको याद करना है, 1200 का कोड 6 होगा, सेंचुरी कोड है, 1300 का 4 होगा, 1400 का 2 होगा, 1500 का 0 होगा, ये याद हो जाएगा। मतलब अगर कभी पूछ ले कि मतलब सब पूछ करो 1700 का क्या होगा, तो आपको याद है कि 6420 6420 है, तो 1200 से स्टार्ट करना, 6420 फिर क्या हो जाएगा, 15 16 17 फिर 64 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंचुरी कोड, ठीक है, दो चीज़ हो गए।
तीसरा चीज आपको क्या याद करना है, रखना है कि मंथ का कोड। मंथ कोड क्या होता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसका कोड आपको बस ध्यान रखना है। देखिए, जनवरी का 1 होता है, फरवरी का 4, मार्च का 4, मैंने लिख दिया है इसको 144। याद नहीं हो तो आपको याद रखना कि 12 स्क्वायर 144, ठीक है। अप्रैल मई जून, ठीक है, आपको याद रखना 025, मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है, याद करने के लिए मैं यहाँ ट्रिक दे दिया हूँ, ठीक है। और उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर का दिया है 036, यानी ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, याद रखेंगे आप इसको। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का 12 स्क्वायर प्लस 2, यानी देखिए ये सिर्फ थोड़ा चेंज हो रहा है, स्क्वायर से प्लस 2 हो रहा है, तो 146 होता है, ठीक है। ये आपको मंथ का कोड है, ये थोड़ा याद रखना है बस, कुछ नहीं। उसके बाद देखिए ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या कह रहा है, डेट प्लस मंथ्स कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर बाय 4, 2 डिजिट ओनली बाय 7। इसका कोई ऐसे फॉर्मूला हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, याद नहीं करना। अब देखिए क्वेश्चन देखते ही सॉल्व होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, 26 जनवरी 1950, एक एक करके जाएंगे। पहले क्या आ रहा है, 26 जनवरी, 26 जनवरी, ठीक है। देखिए यहाँ पे डेट लिखा है, मैंने क्या लिखा है, डेट। पहले क्या आ रहा है, 26 जनवरी, तो आप सीधा यहाँ पे अगर इसको हेल्प से निकालेंगे तो देखिए पहले क्या आ जाएगा, डेट 26 जनवरी। जनवरी का मैंने आपको कोड क्या कर रखा हूं, 144 बताया था ना, तो 1 हो गया, ठीक है, 26 जनवरी, यहां तक खत्म हो गया। उसके बाद देखिए 1950, यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे था, तो उस दिन के बारे में पूछ रहा है कि वो उस दिन कौन सा दिन था, ठीक है। तो 1950 मतलब इसमें कौन सा सेंचुरी है, इसमें हमारा सेंचुरी है 1900 वाला, ठीक है। तो 1900 सेंचुरी आपको पता है कि 1704, 1802 और 1900, तो आप क्या लिख दोगे, 0, ठीक है। उसके बाद 50 आया, देखिए उसके बाद क्या लिखा हूँ, सेंचुरी कोड के बाद ईयर, कैसे लाइन लाइन किए, पहले 26 लिखे, फिर जनवरी का कोड लिखे, फिर 1900 का कोड लिखे, फिर 50 आया तो हम 50 लिख दिए, ठीक है। और उसके बाद ईयर बाय 4, यानी इस 50 को 4 से डिवाइड करना है और 2 डिजिट तक लिखना है, मतलब उसके बाद पॉइंट वाला कंसंट्रेट नहीं करना। तो 50 को 12 से डिवाइड, 4 से डिवाइड करोगे तो 12 बचेगा, ये 12 लिख देना है, ठीक है, बस इतना तक ही लिखना है। और इसको 7 से आप क्या करोगे, डिवाइड कर लोगे। जब ये डिवाइड करके निकालोगे तो आपको देखो कितना हो गया, 26 127 50, 77 अब प्लस 12, 77 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 89, ठीक है। और 89 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। और 5 जो है, अब देखिए यहाँ पे 5 किसको कोड किया है, ये 5 कौन सा कोड में डाला हूं मैं, आप देखिए थर्सडे, ठीक है, ये 5 है थर्सडे, ठीक है, ये 5 अगर थर्सडे है तो यानी आप याद रखिए या फिर आप समझिए कि 26 जनवरी 1950 को हमारा थर्सडे था। इसी तरीके से 10th में 1857, ठीक है, देखिए कुछ नहीं है। आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप सीधा लिखना 10 प्लस मई, देखो मई का क्या वाला, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी 025 वाला आएगा, तो क्या आएगा, 2 प्लस 1800, 1800 का क्या होता है, 6420, 2 होगा कि नहीं होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, ईयर, ईयर कितना आ गया, 57, ठीक है, अब प्लस 57 बाई 4, 57 बाई 4 कितना आ जाएगा, 14 आएगा कि नहीं आएगा, और इसको क्या कर देंगे हम, 7 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो फिर, ठीक है, उसके बाद हम देखो इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको ऐड करते हैं तो कितना आता है, 10 2 12 2 14, 14 14 28 हो गया, 28 में 57 जोड़ेंगे तो 85/7, 85/7 हुआ। इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो एक रिमाइंडर कितना हो गया, एक रिमाइंडर हो गया, हो गया कि नहीं, एक जब आपका रिमाइंडर हो गया। और एक किसको कोड किए हैं, सैटरडे को 0 से कोड किए हैं, तो याद रखना सैटरडे 0, संडे 1, ठीक है। तो आपका कौन सा दिन हो जाएगा, उस दिन हो जाएगा संडे, ठीक है। यानी जो फर्स्ट जो रिवॉल्ट हुआ था हमारा 10 मई 1857 को, वो मतलब आपको उस दिन था संडे था, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, इतना नहीं करना, बस ये कंसेप्ट है कि ये ऐसे आता है ऐसे नहीं आता। सीधा आप कोई भी क्वेश्चन दे, कुछ भी दे, आपको सीधा कंसंट्रेट क्या करना है कि आपको सीधा कंसंट्रेट करना है, कुछ भी दे, ठीक है, 2000 दे दे, ठीक है, कुछ भी 10 मतलब सपोज करो 2 2 1994 दे दे, ठीक है। तो दो लिख, पहले क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, फिर देखो ये फरवरी का है, सपोज करो मैं यहाँ निकालने के दे दे दिया आपको 2 2 1994 का दे दिया निकालने, ठीक है। तो आपको सीधा क्या करना है कि आपको कंसंट्रेट करना है कि पहला तो 2 है, ठीक है, ये क्या है, 2 तारीख है, ठीक है, और फरवरी है, जनवरी, फरवरी, फरवरी का 4 होता है, ठीक है। और उसके बाद 1900 का याद देखो अभी किया था मैंने, 0 हो गया, ठीक है, और प्लस 94 लिखेंगे, और उसके बाद 94 को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा,
94 को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो 23 इंटू 4 92 होता है, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे 23, और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 7 कर देंगे, ठीक है। जोड़ लेते हैं 4 2 6 और 94 जुड़ गया तो कितना हो गया 100, 100 और 23, 123 बटे 7, 123 बटे 7 को अगर मैं डिवाइड करूँ यहाँ पे 123 अपॉन 7, 123 अपॉन 7 डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा बताओ, 1719। देखो यहाँ पे 4 रिमाइंडर बचा, 4 रिमाइंडर बचा तो 4 कौन सा दिन है, वेडनेसडे, दिस इज द अपर आंसर, ठीक है। कैलेंडर टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे और जितने टाइप हैं मैंने सारा क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिया, आप प्रैक्टिस करो, देखो वीडियो अच्छे से, कंसेप्ट बिल्डअप करो, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं आप प्रैक्टिस करो। कुछ डाउट है तो हमें कमेंट में लिख के भेजो, और कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप भेजो, हम उसका सॉल्व जल्दी जल्दी करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स के टॉपिक पे मूव करूँगा, परसेंटेज, सक्सेसिव डिस्काउंट सबके क्वेश्चंस लाऊंगा, और उसमें दिखा उसमें भी देखेंगे कि नए नए तरीके से क्वेश्चन कैसे आते हैं। आप हमारा वीडियो देखिए, अच्छा लगे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको हर एक अपडेट आते रहेगा।